तो नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक नए नॉलेज फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है दोस्तों ये एक कार्ड डेक आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ऑडियो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये जो है टोटो तो जानते होंगे, ये बहुत में कार्ड में भी रहता है दोस्तों, टोटो वगैरह में भी जो आजकल जो न्यू आया है टोटो जो आया है तो उसमें भी जो है लगा हुआ था, तो भेज दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ऑडियो नहीं आने के बाद क्या क्या चेक किया जाता है, तो दोस्तों डिटेल में बताऊंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो कोई किसी का भी वीडियो दोस्तों अगर उससे जानकारी लेना है दोस्तों तो वीडियो को अंत तक देखो, अन्यथा बीच में छोड़ के जाने से ना ही आपको फायदा है कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर वीडियो देखना है तो पूरा लास्ट तक देखो, अन्यथा क्विट कर सकते हो आप। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों ऑडियो के लिए दोस्तों 6283 IC यूज किया हुआ है दोस्तों, जो कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, वोल्ट वगैरह आ रहा है कि नहीं, आउटपुट वगैरह दे रहा है कि नहीं, नहीं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों 12 वोल्ट से, तो पता चलेगा। तो स्पीकर का भी कनेक्शन कर देते हैं कि नहीं बज रहा तो क्या रीजन है। तो दोस्तों ये दोस्तों इसका स्पीकर है जैक, दोस्तों ये जैक वाला था दोस्तों, तो मैंने इसका जो है स्पीकर जो है दोस्तों आपको एक छोटा सा जो स्पीकर इसमें सोल्डिंग कर दिया मैंने। और दोस्तों ये जो है प्लस माइनस इसको दे दिया दोस्तों, अब चेक करते हैं कि इसमें लाइन आता है तो क्या होता है। FM mode. तो ये कैसे मतलब बच गया हमें खुद पता नहीं चला, क्योंकि दोस्तों वो इसके पीछे भी रीज़न है कैसे बच गया खुद पे खुद, ऐसे तो बजेगा नहीं। तो दोस्तों रीज़न क्या था, तो इसमें क्या था दोस्तों, ये तो कार्ड डेक है वो भी टोटो जो होता है उसका है। तो इसमें दोस्तों मैंने खोला तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट था, डस्ट मतलब धूल कण जो वगैरह जो होता है वो था। तो मैंने जो है उसको अच्छा से क्लीन किया, अच्छा से साफ़ किया, ताकि जो है फिर क्योंकि चेक करने में भी तो दिक्कत नहीं होगा ना, इसलिए मैंने काफ़ी फ्रेश किया बोर्ड को। बोर्ड में भी गंदा था, उसके बाद IC सब में भी जो है दोस्तों IC का बोर्ड था उसमें भी गंदा था। तो पैनल जो होता है दोस्तों उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट था दोस्तों, तो उसको हम अच्छा से क्लीन किया मैंने, फिर जो है दोस्तों जो है हम इसमें लाइन दिया मैंने। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है दोस्तों, और कोई भी हो दोस्तों सेट उसको आप ज़रूर जो है दोस्तों अगर गंदा वगैरह है कोई डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो उसको आप ज़रूर पहले क्लीन कर लें, उसके बाद ही जो है लाइन दें। तो दोस्तों हुआ क्या होगा दोस्तों, जब डस्ट होगा दोस्तों उसके कारण जो है ऑडियो का जो है सप्लाई ड्रॉप कर गया होगा, ठीक है। तो मैंने साफ़ किया तो खुद पे खुद वो ठीक हो चुका है दोस्तों। तो इस चैनल इस वीडियो से दोस्तों ज़रूर इस में कुछ आपको जानकारी मिला होगा कि जब भी आप खोलें तो कोई डस्ट वगैरह है तो उसको आप क्लीन कर लें थिनर वगैरह से जो भी आपके पास, तो तभी दोस्तों उसमें क्लीन करके दोस्तों थोड़ा सूखने दे दें, या हॉटगन है तो उसमें आप हॉटगन डाल दें, मतलब हॉटगन से थोड़ा सूखा दें किट को, उसके बाद जो दोस्तों आप ऑन करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में बहुत सारा है दोस्तों, आप जाके वॉच कर सकते हैं। और कोई भी तरह का दिक्कत हो दोस्तों जो ज़रूर हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।